हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर में त्रिभुज को गिनने का नियम, वर्ग को गिनने का नियम, आयत को गिनने का नियम और वृत्त को गिनने का नियम को हम लोग सीखेंगे। तो पहला त्रिभुज के नियम, गिनती करने का नियम को देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें बताइए कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। अच्छा, इसमें ये भी संभव है गिनती करना, एक एक दो, एक बड़ा वाला तीन, ठीक है। इसमें भी कुल त्रिभुज हो गया तीन। अच्छा, इसमें अब बताइए, एक दो तीन, फिर दोनों बड़ा वाला चार, ये बहुत टफ लगने लगा, और इससे भी बड़ा रहेगा। तो ट्रिक को समझते हैं अब, इस तरह करके काउंटिंग करना मुश्किल हो जाएगा, इससे भी टफ सब आएगा। ट्रिक ये है, ऐसे नहीं बनाना है कि एक दो और फिर बड़ा वाला तीन, इस तरह गिनती नहीं कर पाएंगे। सही है, मतलब ऐसे गिनती नहीं करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको लिख देंगे काउंटिंग के रूप, एक दो तीन चार ऐसे करके, दो घर है तो दो तक लिख देंगे और फिर गिनेंगे। तो कुल त्रिभुज हो जाएगा एक प्लस दो बराबर तीन। इसमें उसी तरह लिख देंगे एक दो तीन, तो इसमें कुल त्रिभुज हो जाएगा, कुल त्रिभुज हो जाएगा एक प्लस दो प्लस तीन बराबर छः। सेम इसी तरह इसमें भी टोटल हो जाएगा एक दो तीन चार, तो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, चार तीन सात, दो नौ एक दस, ऐसे यहीं से गिनती कर लेंगे। लेकिन इससे भी थोड़ा सा कम बड़ा रहेगा, तो जैसे ये देखिए, अब इसमें कितना त्रिभुज है, एक दो तीन चार पाँच, तो कुल हो जाएगा एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच। तो पाँच, पाँच चार नौ, तीन बारह, दो चौदह एक पंद्रह, पाँच चार नौ तीन बारह दो चौदह एक पंद्रह त्रिभुज। अब इसी में ऐसे खींच देगा तो ऐसा रहेगा तब। तो सेम टाइप का अगर हम नीचे वाला ढक देते हैं, तो जिस तरह भी पंद्रह जो गिनती किए, तो उसी तरह तो घर ऊपर भी है, तो इसमें भी पंद्रह हो जाएगा। तो क्या करना है, दो इस तरह का घर है तो दो से गुना कर देंगे, यानी तीस हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में और इस तरह का खींच देगा तो सेम वही है, अगर यहाँ तक ढक देंगे तो अभी जो निकाले थे दोनों घर का पंद्रह पंद्रह जोड़ के, तो पंद्रह इसमें भी होगा, यानी जितना रहेगा उससे गुना कर देंगे। तीन पाठ में है तो तीन से गुना कर देंगे, चार पाठ में है तो चार से गुना कर देंगे, यानी तीन पाठ में है तो कितना हो जाएगा, पनर्तिया पैंतालीस। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत कम ही आता है। अब आता किस जो क्वेश्चन है उस पर, उसको देखते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन अभ्यास कराएंगे, पहले हम लोग थॉक निकालने का तरीका समझ लेते हैं। अब इसी में कुछ साइड से जुटेगा तो उसको अलग से काउंटिंग करना पड़ेगा। ये थॉक निकालने का तरीका है, अधिक से अधिक तुरंत निकाल लेते हैं, फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा साइड से जुटता है तो अलग से काउंटिंग करते हैं। अब इसको देखिए, इसमें कितना त्रिभुज है, एक भी नहीं। अब दो त्रिभुज है, एक एक दो, तो अब कितना त्रिभुज है, तो एक दो तीन चार, नहीं, इसमें आठ त्रिभुज है। कैसे, तो एक दो तीन चार, लेकिन ये दोनों घर को ऐसे मिलाएंगे तो एक पाँच, इधर से भी मिलाएंगे तो छः, फिर इधर से मिलाएंगे तो सात, फिर ये वाला घर ऐसे मिलाएंगे तो आठ, यानी कुल इसमें कितना है, आठ। तो इस तरह का आकृति रहेगा, तो इसको सेट कर लेना है माइंड में कि आठ वो होता है, क्योंकि बड़ा बड़ा प्रश्न में इस तरह का आकृति जितना दिखेगा तो आठ करके तो गिनती तुरंत कर लेंगे, फिर साइड से जितना जुटेगा। जैसे मैं अभी एक प्रश्न देखिए, जैसे अभी तुरंत गिनती किए थे कि इसमें आठ होता है, तो क्या आठ आठ सोलह होगा, इसमें सोलह से ज़्यादा होगा। कैसे, तो ये तो जान रहे हैं कि इस तरह का है तो इसमें आठ होगा, इसमें आठ होगा, तो आठ प्लस आठ तो यहाँ तो तुरंत लिख लिए कि सोलह, लेकिन इसमें और एड होगा। अब ये इस तरह का घर, इस तरह का घर दो टो जुटा है इस लाइन के तहत, इस लाइन के द्वारा दो टो घर सटा है, तो यहाँ से एक त्रिभुज और बनता है, एक ये वाला, इस बिंदु से दो त्रिभुज बनता है, एक ये वाला ऐसे, ये वाला, और फिर ऊपर से ऐसे करके ये वाला, तो दो त्रिभुज और इसमें ऐड होता है, यानी खो जाएगा कुल 18 त्रिभुज हो जाएगा। इसी में तीन घर अगर जुटा रहेगा तो, तीन घर अगर जुटा रहेगा तो
ये भी गिनती करने में लेट नहीं लगेगा, तुरंत गिनेंगे। तो ये तो जान रहा है इसमें आठ है, इसमें आठ है, इसमें आठ है, तो आठ प्लस आठ प्लस आठ यानी चौबीस तो यहाँ तक निकाल चुके हैं। उसके बाद इस बिंदु से एक घर अगर दो इस तरह का आकृति का दो घर अगर सटता है तो यहाँ से एक बिंदु से दो टो बनता है, फिर इस बिंदु से भी दो टो बनेगा। तो इस तरह से कितना हो गया इसमें, आठ या चौबीस, चार अट्ठाईस, यानी कुल त्रिभुज अट्ठाईस हो जाएगा। लेकिन इस तरह का रहेगा तो इस तरह पूछा भी था एग्जाम में, देखिए। अब इस तरह का तो चार घर है, तो सबसे पहले इसमें आठ है, इसमें आठ है, इसमें आठ है, इसमें आठ है, तो ये तो बत्तीस हो गया। आठ प्लस आठ प्लस आठ प्लस आठ, यहाँ से बत्तीस तो निकाल चुके हैं। अब इस बिंदु से जान रहे हैं कि ये दो घर जुटा हुआ है ये वाला लाइन के तहत, तो दो टो यहाँ से ऐड होगा, फिर इस बिंदु से भी दो टो ऐड होगा, फिर इस बिंदु से भी दो गो ऐड होगा, क्योंकि ये दोनों घर एक दूसरे से जुटा है। तो एगो ये बनता है, जैसे ये एगो ये वाला, फिर इस बिंदु से ये वाला, तो यहाँ से फिर दो टो ऐड होगा, फिर इस बिंदु से भी दो टो ऐड होगा। तो इस तरह से दो चार छः आठ ऐड हो चुका है, लेकिन अभी और है इसमें, यही नहीं अभी इसमें और है। अब देखिए ये घर तीनों जुटेगा, तो देखिए ये वाला यहाँ से एक त्रिभुज ये बड़ा बना बना, इसी प्रकार एक ऊपर में बना, तो दो टो इधर हुआ, फिर इसको घुमा देते हैं तो ये वाला एक तीन, फिर इस पार में भी तो चार हुआ, भी और ऐड होगा, यानी कुल हो जाएगा बत्तीस, और इधर दो चार छः आठ, बत्तीस आठ चालीस, चार चवालीस, यानी कुल इसमें चवालीस त्रिभुज है। इसके अलावा भी अगर कुछ साइड से कुछ जुट जाएगा इसमें अलग से कोई आकृति इस तरह का, तो यहाँ से भी एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और तो इसमें ऐड नहीं हो रहा है। हाँ एक ये बन रहा है, फिर इधर से साइड से जब ये तीनों घर को मिलाते हैं तो ये वाला त्रिभुज ये बन रहा है। तो ये सब फिर साइड से जो एक दो को जुटेगा तो अलग से गिनती करना पड़ेगा। हालांकि ऐसे प्रश्न में इस सब का ऑप्शन जब भी रहता है ना, इस तरह का रहेगा, जैसे 38 बी में है, 40 सी में है, 41 डी में है, 40 से अधिक या 42 से अधिक या 41 से अधिक है ना, सी में हाँ मान लेते हैं कि 41 से अधिक लिखा है। तो अगर आप 41 तक भी पहुंच गए तो 41 से अधिक जनरली इसमें ये मान लेते हैं 39 है, अगला लिखा है 40 से अधिक, अगर आप 40 तक भी पहुंच गए तो समझिए कि 40 से ज़्यादा ही होगा, 40 से अधिक ऑप्शन में दिया है 40 तक, क्योंकि इसमें कुछ जब भी ऐसा रहता है ना तो इसमें काउंटिंग फिगर में तो अधिक वाला लिखा रहे और उस करीब पहुंच गए तो अधिक वाला टिक मार के निकलने से सही रहता है, लगभग वही आंसर आता है। हालांकि इसमें तो एक्यूरेट हम लोग गिनती कर लिए कि कुल कितना है, 44 है। तो इस तरह से त्रिभुज को काउंट किया जाता है। त्रिभुज में एगो और बचा है, आजकल ऐसा भी प्रश्न पूछ रहा है कुछ इस तरह का, जैसे कि ये त्रिभुज है, इसको डिटेल से भी गिनती करके देखते हैं क्या क्या होगा ट्रिक से। तो इसमें टोटल त्रिभुज हो जाएगा एक दो एक दो, दो बाय दो का है तो दो का क्यू आठ, आठ गो हो जाएगा। कौन कौन ये तो संभव है, आप ऐसे भी गिनती कर सकते हैं। एक त्रिभुज ये हुआ, एक दो एक तीन, ये त्रिभुज नहीं है चतुर्भुज है ये, एक दो तीन, ये दोनों घर मिलाएंगे तो चार, और ये दोनों घर मिलाएंगे जैसे पाँच, ये दोनों घर मिलाएंगे तो ये वाला छः, ये दोनों घर मिलाएंगे तो इस तरह सात, और क्या छूट रहा है, एक ये बड़ा वाला आठ, तीनों घर में सारा मिलेगा तो ये बड़ा वाला कुल आठ है। लेकिन इस तरह से गिनती करना ही तो छोटा था, गिनती कर लिए, बड़ा बड़ा रहेगा तो काउंटिंग कर भी नहीं सकेंगे। तो ट्रिक क्या है इसका, तो दो बाय दो का है तो दो का क्यू कर देंगे, तीन बाय तीन का रहेगा तो तीन का क्यू कर देंगे। जैसे इसको देखिए, ये तीन बाय तीन का है, इधर से देखिए एक दो तीन, ये है एक दो तीन, तो तीन बाय तीन का है तो टोटल हो जाएगा तीन का क्यू, कितना हो जाएगा 27। उसी प्रकार चार बाय चार का रहेगा तो कितना हो जाएगा 64। जैसे ये है
तो एक दो तीन चार हो गया, एक दो तीन चार, इधर से भी चार रहेगा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो चार बाय चार का है, तो चार का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। तो इस तरह से ऐसा आकृति रहे तो इस तरह से काउंटिंग इसका किया जाता है त्रिभुज का। अब त्रिभुज हो गया, अब हम लोग वर्ग के बारे में समझते हैं। वर्ग भी आसान है, आयत भी आसान है, वृत्त का कोई नियम नहीं होता है, वैसे ही गिनती कर लेंगे और किसी का गलती उसमें नहीं होता है, ऐसे भी काउंटिंग करेंगे तो वृत्त का। वर्ग को गिनने का नियम समझते हैं, वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर को काउंटिंग करने का नियम, कुछ नहीं करना है इसमें, काफ़ी ये सिंपल है। जैसे इसमें एक वर्ग है, अब इसी में कितना वर्ग हो जाएगा, एक दो तीन चार, एक बड़ा वाला पाँच, टोटल हो जाएगा पाँच। तो इस तरह से आप गिनती नहीं कर पाएंगे, इसका ट्रिक लगाएंगे। ये तो गिनती करना संभव था, कर लिए, अब इससे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। जैसे इसमें बताइए कितना वर्ग है, मुश्किल होगा थोड़ा गिनना, तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, तो इसका ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक देखिए इसका क्या है, तो एक दो दो है, इधर से भी एक दो, रो और कॉलम को गिनेंगे, जितना बाय जितना होगा उसको लिख लेंगे और फिर इसको उल्टी गिनती में लिखना शुरू करेंगे। इसमें एक कम करेंगे दो में तो एक आएगा, इसमें भी एक कम करेंगे तो एक आएगा, मतलब घटते जाएंगे। तो दो दूनी चार प्लस एक कितना हो जाएगा, पाँच। उसी प्रकार इसमें भी देखिए, एक दो तीन, इधर से भी एक दो तीन चार है, तो उल्टी गिनती में घटते जाएंगे। जैसे तीन बाय चार लिखे या चार बाय तीन लिखे, तो चार बाय तीन लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा काउंटिंग करने में। इसको चार गुना तीन प्लस, फिर इसमें एक घटाएंगे तीन गुना दो, फिर इसमें एक घटाएंगे तो दो आ जाएगा, दो में एक घटाएंगे तो एक आ जाएगा। जैसे ही एक तक पहुंचेंगे प्रक्रिया को स्टॉप कर देंगे और ये फिर गुना कर देंगे, चार तिया बारह, तीन दूना छः, दो एक दो, बारह छः अठारह दो बीस, यानी कितना इसमें वर्ग है, बीस है। इस तरह से वर्ग की काउंटिंग की जाती है। और रो कॉलम अगर दोनों बराबर रहे, जैसे मैं थोड़ा बराबर बराबर बनना चाहिए, वर्ग की तरह लगे भी ऐसे, देखिए जैसे इसमें देखिए, ये कितना बाय कितना का है, चार बाय चार का, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो चार बाय चार का है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चार का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, और ये गिनती करेंगे तो हो जाएगा ये 16 प्लस नौ प्लस चार प्लस एक, 16 नौ 25, 25 चार 29 31। लेकिन रो और कॉलम बराबर रहे तभी आप स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं घटते क्रम में। चार का पाँच बाय पाँच का है तो पाँच का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, और फिर उसको जोड़ देंगे। लेकिन रो कॉलम बराबर नहीं रहेगा तो ये रूल नहीं चलेगा, इसीलिए एक ही रूल याद रखना है, रो कॉलम बराबर रहे या ना रहे उल्टी गिनती में कम करते जाएंगे। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, जैसे तो चार गुना चार, फिर चार बाय चार का है तो फिर घटेंगे, तीन गुना तीन, फिर दो गुना दो, फिर एक गुना एक, तो इस तरह से लिखेंगे, कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, घटते क्रम में लिख देंगे। एक तक पहुँचेंगे प्रक्रिया स्टॉप कर देंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कितनों बड़ा रहे, देखिए सारा वर्ग है, वर्ग है, एक दो तीन चार पाँच छः, इधर से कितना है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच है, तो घटते क्रम में लिखेंगे, तो छः गुना पाँच प्लस पाँच गुना चार प्लस चार गुना तीन प्लस तीन गुना दो प्लस दो गुना एक, एक तक जाएंगे स्टॉप कर देंगे प्रक्रिया, और हो जाएगा छः पंच तीस प्लस बीस, ये हो जाएगा बारह प्लस छः प्लस दो, तीस बीस पचास, पचास बारह बासठ, बासठ छः अड़सठ दो सत्तर, यानी कुल कितना हो जाएगा, सत्तर का वर्ग है। तो इस तरह से वर्ग निकाला जाता है। और इसके अलावा अगर इसमें मान लेते हैं कि ये साइड से इसमें कुछ अगर जुट जाता है तो उसका गिनती करने का नियम नहीं है, उसको आपको अलग से काउंटिंग करना पड़ेगा। जैसे इसमें कुछ वर्ग जुट जाता है, जैसे ये, अब बताइए कितना है ये तो वर्ग है नहीं, ये तो हर वर्ग है नहीं, तो एगो ये जुट जाएगा और तो इसके थ्रू कोई और बना नहीं, तो एगो जुट जाएगा, यानी कुल कितना हो जाएगा, इकतीस हो जाएगा। तो साइड से मेन है कि थोक निकाल लेंगे, और इसका आंसर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर उलझा हुआ रहेगा आकृति तो उसमें अधिक वाला ही रहता है, 80% का आंसर अधिक वाला ऑप्शन रहेगा, या फिर किसी प्रश्न में आंसर अगर
काउंटिंग किए, ऑप्शन में है 52, 53, 54 और एक ऑप्शन में है 54 से अधिक, तो अधिकतर आंसर हो 54 से अधिक। अगर आप 54 तक पहुंच भी गए, लग रहा है कि इसमें और कुछ होगा, छूट रहा है, तो 54 से अधिक वाला ऑप्शन ऑप्शन मार के निकल सकते हैं। तो जनरली अधिक वाला बहुत क्वेश्चन में आंसर 80% में अधिक वाला ही रहता है। तो इस तरह से वर्ग की काउंटिंग की जाती है। अब आयत के बारे में देखते हैं, आयत भी इससे कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो भी काफ़ी ईजी लगेगा। तो अधिक से अधिक निकाला जाता है इस तरह से, साइड से इसमें कुछ ऐड होता है तो उसको अलग से आपको गिनती करना पड़ेगा, उसका कोई ट्रिक नहीं होता है। आयत रेक्टेंगल, आयत को गिनने का नियम क्या है? जैसे इसमें देखिए क्या है, आयत है, कितना आयत है, एक आयत है टोटल, लेकिन इसी में अब बताइए कितना है, तो भी संभव है गिनना कितना होगा, टोटल कुल हो जाएगा एक दो एक बड़ा वाला तीन, लेकिन अब बताइए तो अब बताइए तो कितना है, नौ हो जाएगा कुल आयत, इसमें नौ कैसे, एक दो तीन चार, एक ही दोनों घर को मिलाएंगे बड़ा वाला पाँच, ये दोनों घर मिलाएंगे छः, ये दोनों को मिलाएंगे सात, ये दोनों को मिलाएंगे आठ, एक बड़ा वाला नौ, कुल नौ है। तो इस तरह से गिनती नहीं करना है, इसमें तो नौ गिनती कर लिए ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ा रहेगा तब, अब बताइए तो रूल पे आना ही पड़ेगा, ऐसे संभव नहीं है कि इसको आप गिनती कर सके। बताइए संभव ही नहीं गिनती करना, तो क्या करना है, रूल को समझते हैं। रूल यह है कि इसको सीरियली लिख देंगे, एक दो तीन चार, जहाँ तक जेटो घर रहेगा, रो कॉलम जितना रहेगा वहाँ तक लिख देंगे। तो दो टो है तो दो तक लिखे, इधर से भी दो टो है तो दो टो लिखे, और इसको जोड़ देंगे, और इसको भी दोनों को जोड़ देंगे तो तीन होगा, इधर भी तीन, तो टोटल निकालने के लिए तीन गुना तीन, रो कॉलम को गुना कर देंगे नौ, यही नौ आया है। और उसी प्रकार इसमें भी देखिए, एक दो तीन, इसको सबको जोड़ेंगे तो तीन दो पाँच है कितना आ गया छः, और इधर से भी एक दो तीन चार पाँच, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, पाँच चार नौ तीन बारह दो चौदह एक पंद्रह, तो कुल 15 गुना 6 टोटल हो जाएगा, 15 गुना 6 यानी कि कुल हो जाएगा 90 को इसमें आयत है। तो आयत को इस तरह से काउंटिंग किया जाता है, कुछ नहीं करना है, रो और कॉलम को परे लिख देंगे, एक दो तीन चार करके ऐसे करके जेटो रहेगा, जैसे 5 तक है तो 5 और भी घर रहता तो और लिखते, 6 तक रहता तो 6, 8 तक रहता तो 8, और फिर सबको जोड़ देंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, इधर से जोड़े तो एक दो तीन तीन छः, और फिर जो जोड़ के आएगा दोनों को आपस में गुना कर देंगे। इस तरह से काउंटिंग की जाती है आयत का।